दोस्तों मैं आया हुआ हूँ एक सुपरमार्केट ग्रॉसरी स्टोर बिखरी सब्जियाँ तो ये मैं इसलिए आया हुआ हूँ क्योंकि मैं 2 दिन के लिए घर से बाहर हूँ और मैं एक बहुत ही बजट फ्रेंडली अपना तरीका ढूंढ रहा हूँ खाने के लिए कि कैसे क्या खाऊँ जो मुझे बहुत सस्ता पड़े और अच्छा खासा प्रोटीन दे के जाए। तो मैं देखता हूँ मैं क्या फिगर आउट करता हूँ, आपको बताऊँगा। वो एक अच्छा तरीका हो सकता है यूरोप घूमते हुए, अगर आप यूरोप घूम रहे हैं तो एक अच्छा तरीका होना चाहिए जो इससे आप बजट फ्रेंडली खाते पीते घूम सकें अकेले सोलो ट्रैवलर के रूप में। तो मैं देखता हूँ, तो मुझे मिल गया है यूरोप का सबसे कल्चरल खाना जिसको बोलते हैं ब्रेड, और मैंने ले ली है 120 रुपए की एक ब्रेड, ये वाली। और ब्रेड में मेरे पास और भी ऑप्शंस थे, वो है ये। मैं सीधे यहाँ से ब्रेड उठा सकता था, कोई 4 करोन की है ये, 48 इंडियन रुपीस की एक ब्रेड है ये 36 रुपीस की ब्रेड है, और ये है 260 रुपए का ब्रेडा। भाई साहब ये ब्रेड का पापा है, ये पूरा एक है, खाते रहो 3-4 दिन। 260 रुपए का, इसमें जैम लगाओ बटर लगाओ खाते रहो। और ये है डेनिश पेस्ट्री जो मुझे बहुत पसंद है, मैं इसे बहुत खाता हूँ, और ये एक पेस्ट्री 84 रुपीस की है। फिलहाल मैं आगे चलता हूँ अपने इसकी जुगाड़ की तलाश में, भरूंगा क्या इसमें, क्या भरूंगा मैं इसमें। तो ऑप्शन है मेरे पास, अगर मैं नॉनवेज खाता हूँ तो मैं सलामी भर सकता हूँ, सलामी पतले पतले स्लाइसेस होते हैं मीट के, नमक ऑलरेडी पड़ा हुआ होता है, वो आप इसमें स्टफ करके खा सकते हो। दूसरा ऑप्शन, अगर आप नॉनवेज नहीं खाते हैं तो आप बटर या चीज़ के स्लाइसेस मिलते हैं, मैं ढूंढता हूँ कहाँ है। और दोस्तों ब्रेड पर लगाने के लिए ना ऐसे क्रीमी सलाद मिलता है, मेयोनीज़ में डाल करके ना सलाद बनाते हैं लोग, ये भी आप ले सकते हो ब्रेड के ऊपर लगाने के लिए, चाहे सीधा खा लो। जैसे मुझे कल सुबह निकलना है, मैं सुबह क्या खाऊंगा, तो मैं एक पैकेट ये सलाद रख सकता हूँ, पर इसमें मेयोनीज़ है, मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ, मैं नहीं खाना चाहता मेयोनीज़, बहुत ज़्यादा फैटी और क्रीमी हो जाएगा। ऐसा कोई हेल्थ कॉन्शियस भी नहीं हूँ, लेकिन फ़िलहाल मेरा आज मन नहीं है, कभी और खा लूँगा। और ये होती है सलामी, ये सब सलामी है, चिकन की सलामी है, ये पोर्क की, ये सूअर का स्लाइसेस है मीट का, अलग अलग स्लाइसेस बिकते हैं ऐसे पैक होकर के, सूअर के, मुर्गे के, गाय के, हर चीज़ के, बीफ के, और फिर बना होता है कि किसका, देखो इसमें सूअर बना है ना, तो ये सूअर की सलामी है, ये या तो काओ या बफेलो उनमें से कोई है, काओ लग रही मुझे, ये गाय की सलामी है, ये चिकन की सलामी है। तो फिलहाल मैंने चिकन की सलामी ले ली है, मैं चिकन खा लेता हूँ, तो मैंने चिकन की सलामी ले ली है ऐसे पतले पतले स्लाइसिस, ये भी चिकन की सलामी है, ये सब 14 करोन 13 करोन मतलब ऐसे कुछ होगा, 180 रुपये 190 रुपये के आसपास। अच्छा मैंने अपना डिसीजन चेंज कर दिया है, ये छोटी वाली सलामी मैं नहीं ले रहा हूँ जिसमें छोटे डिस्क थे, ये जिसमें थोड़े बड़े स्लाइसेस हैं वो वाला लिया है मैंने, क्यों, क्योंकि इसमें ना 12 स्लाइसेस हैं, 12 स्लाइसेस में बस 6 ब्रेड हैं, तो मेरे पास हो जाएगा एक दो, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 ब्रेड हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 स्लाइसेस लगेंगे, और 12 स्लाइसेस में हैं, तो मेरे इस ब्रेड में स्टफ़ करने के लिए ये 12 स्लाइसेस काफ़ी होंगे, क्योंकि एक में 2 लगा दूंगा तो काम बन जाएगा मेरा। और अब मैं लेने जा रहा हूँ चीज़, मेरे को लेनी है चीज़, मैं ले रहा हूँ 16 करोन की चीज़, ये रही। दोस्तों वैसे तो मेरे कल दोपहर तक के खाने का इंतजाम हो गया है, आज रात को, कल सुबह उठ करके और कल दोपहर में, हर टाइम के लिए अगर मैं 2-2 ब्रेड रख लूँ तो मेरे लिए काफ़ी हो चुका है, लेकिन स्टिल इस बार मैं एक एक्स्ट्रा चीज़ ट्राई कर रहा हूँ, चीज़ नहीं, एक एक्स्ट्रा थिंग ट्राई कर रहा हूँ, वो मैं योगी, ये है छोटा सा योगर्ट और इसमें कुछ ऐसे क्रंची आइटम है, छोटा सा मिल रहा है, कुछ 5 करोन्स का है, एक मैं ये लेके जा रहा हूँ, ये कुछ 60 रुपये का है, और इसमें दही है, और इसके ऊपर जो आपको क्रंची सा घूमता हुआ दिख रहा है ना, ये है ओट्स, नट्स और कुछ सीड्स होते हैं, सनफ्लावर सीड और वो सब चीज़ें, उन सब का एक क्रंची बीन्स जैसा बना क्रश आ करके इस तरह से दे दिया, इसको दही मिला के खाऊंगा कल सुबह, तो मेरा कल सुबह का भी हो गया ये, इसका नाम है योगी योगर्ट। और अब मेरी जर्नी पूरी हो गई है सामान खरीदने की, टोटल आइटम मैंने खरीद लिया है, कुछ ज़्यादा ही खरीद लिया है, ये दही एक्स्ट्रा खरीद लिया मैंने जस्ट ट्राई करने के लिए, अब मैं अब जा रहा हूँ चेकआउट कर, यहाँ से पैसे दूंगा और निकल जाऊँगा बाहर। सामने लिखा है ओहुस लिडिल, दही, ब्रेड, चीज़ और सलामी, ये 4 आइटम 600 रुपये का, 600 रुपये का आइटम, और मैं कोशिश करूँगा कि ये मैं कल दोपहर तक चला लूँ, भूखा ना रहूँ, उस हिसाब से नहीं कि मैं जो भी खाऊँगा उसके हिसाब से पेट भरता भी रहना चाहिए, मुझे लगता है पेट भर जाएगा, देखते हैं। तो मैं आपके साथ ये एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि क्या मुझे इतना खाना कम लगा या ज़्यादा लगा, मेरे हिसाब से मैंने एक चीज़ ज़्यादा ले ली है, वो ये सुबह के लिए, क्योंकि मैं सुबह ये खा सकता था, आज रात को मैं ये 2 खा रहा हूँ,
कल सुबह मैं ये दो खा सकता था और कल दोपहर तक मैं ये दो खा सकता था और रात तक तो मैं घर पहुँच जाऊँगा अपने। तो तीन टाइम का खाना है ये 600 रुपये में यूरोप में, मतलब कि ऑलमोस्ट 6 यूरो के आसपास का खाना आपको यूरोप में इतना मिल रहा है, वो भी डेनमार्क में जो और ज़्यादा रिच और ज़्यादा महंगी कंट्री है। तो मैं देखता हूँ कि मेरा कैसा रहा ये एक्सपीरियंस खाने का। और अभी क्योंकि रूम में कोई है नहीं तो मैं सोच रहा हूँ कि एक बार मैं आपके सामने ये अनपैक करके खा करके दिखा दूँ आपको कि कैसा लगा मुझे ये खाना। मैं खुद ज़िंदगी में पहली बार ट्राई करने जा रहा हूँ। तो ये है ब्रेड और यह है चीज़, यह है सलामी जिसको मैं प्रिजर्व करके रखूँगा, कल दोपहर तक खाना है भाई। ये निकाली मैंने अपनी सलामी का पहला स्लाइस और ये लगाया मैंने इसको अपने ब्रेड में। एक और ले लेता हूँ, भूख लगी मुझे। ये मैंने लगा लिया दो सलामी आगे पीछे करके ताकि पूरा ब्रेड कवर हो जाए। सलामी हो गया, अब मैं सलामी के बाद इसके ऊपर लगाना चाहता हूँ। ये रहा चीज़, ये भी पन्नी के अंदर, पन्नी में बंद है। निकले है कैसे भाई? ओह, उसने रास्ता बना था, पन्नी में डायरेक्शन बने थे। ये चीज़ और ये लगाया मैंने अपने दो सलामी के ऊपर चीज़, और ये मेरा खाना तैयार। प्रोटीन भी हो गया, ब्रेड भी हो गया। ये है यूरोपियन खाना, इसी पे है यूरोप पूरा जिंदा। बहुत खाते हैं यहाँ के लोग ब्रेड, ब्रेड ही इनका प्राइम खाना है। कोई उनसे पूछे भाई तुम्हारा कल्चरल खाना क्या है, तो मुझे लगता है यूरोप का ओवरऑल कल्चरल खाना ब्रेड है। तो जब सब ब्रेड खा रहे हैं तो हम भी ब्रेड खा सकते हैं। बताता हूँ मुझे कैसा लगा खा के। बहुत टेस्टी है। नमक पड़ा हुआ है सलामी में, बहुत टेस्टी है। चीज़ वो बहुत टेस्टी है। ये मम्मी है, बहुत टेस्टी है। चलिए खाना दे दिया मैंने, खाना खा लिया है, खा रहा हूँ मतलब। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। कल सुबह मुझे निकलना है बिलुंड, मैं लेगो जा रहा हूँ जैसा मैंने बताया था। तो मिलता हूँ आपसे मैं कल। बाय बाय।